अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा। आप देख रहे हैं सायरा इस कुकिंग। तो आज मेरे किचन में बन रहा है आलू के कबाब। आलू के कबाब बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आलू मैंने लिए हैं दो बड़ी साइज़ के, जिनको मैंने बॉयल किया और मैश कर लिया। हल्दी मैंने ली है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च मैंने लिया 1.5 टीस्पून, कसूरी मेथी मैंने ली है 1 टीस्पून, नमक मैंने लिया 1 टीस्पून, ज़ीरा मैंने लिया 1 टीस्पून, एक मैंने ली है प्याज मीडियम साइज़ की जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, 3 अदद मैंने हरी मिर्ची ली है जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, पुदीना मैंने लिया थोड़ा सा, धनिया भी मैंने लिया थोड़ा सा, और ये मैंने लिया है बेसन 4 टीस्पून, लाल मिर्च मैंने लिया है 1 टीस्पून, और नमक मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और एक बॉल लेते हैं, इन सारी चीज़ों को साइड पे करते हैं इसमें बॉल में, और ये सारी चीज़ें डाल लेते हैं। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। पेस्ट मेरा रेडी है, मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। ये अब इनको एक साइड पर करते हैं, हम मिक्सचर बना लेते हैं। बोल लिया, इसमें ये सारी चीज़ें ऐड की, ये वाली, थोड़ा पानी लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमने थोड़ा गाढ़ा सा बैटर बनाना है, थोड़ा सा और पानी डालते हैं। अब ये बैटर उठाते हैं, पेस्ट जो हमने बनाया था इसका ऐसे गोल बॉल बनाते हैं, ऐसे ऊपर से प्रेस करना है, इनको राउंड शेप में ऐसे बना लेना है इस तरह। ये अब दूसरी उठाते हैं, भी बना लिए इसी तरह, सारी की सारी हम बना लेते हैं। ये सारी की सारी बना ली हैं। अब मेरा ऑयल पहले से गर्म है, एक टिक्की को उठाते हैं और बैटर में डिप करते हैं। डिप किए हैं, अब इसको इसमें ऑयल में डाल देते हैं। इसी तरह मैं सारी की सारी डालूंगी, दूसरी को डिप किया, इसको भी डाल देते हैं इस तरह। ये हाथ में चार चेंज कर लेते हैं, डिप को पकड़ा ऐसे। इसी तरह सारी को मैं साइड चेंज कर लूँगी और लाइट ब्राउन होने तक मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। आलू के कबाब मेरे रेडी हैं। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।